और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो पिछले 3-4 दिनों से काफी सारे दोस्तों ने मुझे एक सवाल पूछा है कि वाटर डिस्पेंसर के अंदर जो नॉर्मल वाटर का जो टैब होता है उसमें से भी ठंडा पानी आ रहा है, इसकी क्या वजह है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कई बार हमारे अप्लायंसेस में, एसी फ्रिज में कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जिससे हमें ये समझ में नहीं आता कि उसे हम खुद ठीक करें या टेक्नीशियन को बुला के ठीक करवाएं। तो ऐसे सिचुएशन में आखिर करें क्या। अभी ये जो समस्या आ रही है वाटर डिस्पेंसर के अंदर, नॉर्मल टैब में से भी बहुत ठंडा पानी आ रहा है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा या हम इसे खुद भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, प्रैक्टिकल बिना स्किप करे वीडियो को देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने वाटर डिस्पेंसर के 2 से 3 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई थी कि वाटर डिस्पेंसर में क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरह से वाटर डिस्पेंसर काम करता है, किस तरह से उसमें गर्म पानी आता है और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो खराब हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने डिटेल में उस वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, बात यह है कि नॉर्मल टैप में से भी ठंडा पानी आ रहा है और ठंडे टैप में से भी ठंडा पानी आ रहा है, तो इसके पीछे 2 से 3 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि वाटर डिस्पेंसर का कंप्रेसर जो है कट ऑफ नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, के वजह से पानी पूरा के पूरा ठंडा हो जाता है, नॉर्मल टैप में से पानी भी ठंडा आने लगता है। अब देखिए, इसमें कॉमन सेंस की बात यह है कि जो वाटर डिस्पेंसर होता है उसका जो बर्तन होता है अंदर का स्टील का, वो सिर्फ 4 से 5 लीटर का बर्तन होता है और 4 से 5 लीटर के बर्तन के अंदर नीचे 4 से 5 इंच की जगह पे कूलिंग कॉइल घुमी हुई होती है, पाइप घुमी हुई होती है जहां तक वो पानी ठंडा होता है, और कंप्रेसर यदि कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो पानी ठंडा होते होते ऊपर तक भी आएगा। तो ये तो सीधी सीधी बात है कॉमन सेंस की, अगर आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा उस 4 से 5 लीटर के बर्तन के अंदर जितना पानी होगा वो पूरा ठंडा होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो बॉटल है उसके अंदर तक भी पानी ठंडा होगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ठंडक ऊपर तक आने में काफी टाइम लग जाएगा और जब तक ऊपर तक ठंडक आएगी उससे पहले नीचे जो पानी है उसमें बर्फ जमने लग जाएगी अगर कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा तो। अब देखिए, ये सिचुएशन कई बार ऐसे भी हो जाती है कि हम वाटर टैप में से पानी जो है वो बार बार नहीं लेते। कई बार होता है कि वाटर डिस्पेंसर वहां पे लगा हुआ होता है जहां पे बार बार पानी लोग ले ही नहीं पाते। एग्जांपल के लिए, अगर दिन भर में पानी 4-5 बार लेंगे तो सीधी सी बात है जो पानी उसमें पड़ा हुआ है वो नीचे से ठंडा होते होते ऊपर तक आएगा ही आएगा। अगर वाटर डिस्पेंसर ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां दिन भर में पानी बार बार लिया जाता है तो उस केस में आपके वाटर डिस्पेंसर में नॉर्मल पानी भी मिलेगा और ठंडा पानी भी मिलेगा। अब नॉर्मल पानी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा गर्म सा पानी मिलेगा, नॉर्मल पानी का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आपको ठंडा लगेगा ही, जो ठंडा पानी है उससे थोड़ा बहुत तो आपको ठंडा लगेगा ही, क्योंकि उसकी ठंडक जो पानी की ठंडक है वो ऊपर तक आएगी आएगी कुछ समय के बाद। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल सी बात। अब बात करते हैं अगर आपके ऐसी जगह पे वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है जहां पे दिन भर हम पानी ले रहे हैं फिर भी पानी जो है नॉर्मल डिस्पेंसर में भी ठंडा आए जा रहा है, तो उसका सिर्फ 2 कारण है। या तो आपका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उस केस में आपके जो थर्मोस्टेट है वो खराब हो गया है। थर्मोस्टेट क्या कर रहा है कि कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं कर रहा उसका टेम्परेचर आने पे, या फिर ये हो सकता है कि थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है वो उसमें ज्यादा बढ़ा रखा है, क्योंकि थर्मोस्टेट में एक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, उसे आप माइनस प्लस में कर सकते हैं तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा है तो आप उसे कम कर देंगे तो शायद आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर तब भी ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो सीधी सी बात है वो थर्मोस्टेट में ही प्रॉब्लम है, आपको थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको पीछे जो थर्मोस्टेट दे रखा है वहां पे आप देखिए, अगर वहां पे उसके ऊपर नोप लगा हुआ है तो नोप से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके केस में नोप नहीं लगा हुआ है, इस तरह से पेच का सिस्टम दिया हुआ है, तो आप एक पेचकस से लेकर के इसे कम ज्यादा कर सकते हैं घुमा करके। तो इससे आपके वाटर डिस्पेंसर का जो कंप्रेसर है वो बीच बीच में कट ऑफ होता रहेगा, जिससे आपको नॉर्मल पानी भी मिलता रहेगा, पूरा पानी ठंडा नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा तो पूरा पानी ठंडा होगा ही होगा, क्योंकि जो ठंडक है नीचे से ऊपर आएगी आएगी। और यदि कंप्रेसर कट ऑफ होता है और पानी हम कम यूज में लेते हैं फिर भी हम ये बोलते हैं कि पानी जो है नॉर्मल वाले में भी ठंडा पानी आ रहा है, तो देखिए वो आएगा ही आएगा, उस केस में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो आपको पानी बार बार या तो यूज करना पड़ेगा, तभी आपके नॉर्मल टैप में नॉर्मल पानी मिलेगा और ठंडे वाले टैप में ठंडा पानी मिलेगा। गर्म में तो आपको पता है ये बटन दबाएंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम करने पर अगर आपका काम हो जाता है तब भी आपको टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम करने के बाद में भी ये समस्या आ रही है कि कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है और पानी वही हमें ठंडा के ठंडा ही मिल रहा है, तो उस केस में आपको एक टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत है जो कि थर्मोस्टेट को चेंज कर सके और आपकी ये समस्या का समाधान कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई, और उम्मीद करता हूं आपके जो सवाल था कि नॉर्मल टैप में ठंडा पानी आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। फिर भी मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे नया तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।